अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सही होंगे, जा होंगे, ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी जो कि 3-4 दिन पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गया। और जिस नए कंट्री में हूँ वहाँ थोड़ा बिजी हो गया। एंड वो ये थी अबाउट श्रीलंका कोलम्बो। वो क्या हुआ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी मेरा काम है शेयर करना, बाकी आप लोग के ऊपर है। आप लोग ट्राई करें, अपने रिस्क के ऊपर जाना चाहते हैं और वो चीज़ आपको लगता है कि शायद मैंने सही नहीं बताई, तो उसमें आप लोग बेहतर समझते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मुझे ये शेयर करनी है कि आप लोग प्लीज़ वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर कोलंबो या श्रीलंका मत जाइए। बिकॉज मैं अभी रिसेंटली गया था और दुबई से, क्योंकि मैंने कुआलालंपुर आना था और मैंने जो फ़्लाइट ली वो श्रीलंकन एयरलाइन की थी, जो कोलंबो में 14-15 घंटे का स्टे करके फिर कुआलालंपुर आनी थी। सो हुआ क्या कि जो कुआलालंपुर की फ़्लाइट थी वो हमारी आप ये कह लो कि शाम के 7 बजे 7:30 ऐसी थी। तो होता क्या है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ सुबह के 7 बजे, आई थिंक मैंने दुबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट ली और मैं चला गया कोलंबो। अभी अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मेरे पास कोलंबो का, मैंने एक बंदे की वीडियो देखी हुई थी ऐसी जैसे आप मेरी देखेंगे, और उसमें उस बंदे ने बताया हुआ था कि वो फंस गया है 12 घंटे एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहाँ से उसको वीज़ा नहीं मिल रहा और ट्रांजिट उसको दे नहीं रहे निकलने का पाए। सो आई थिंक उसके साथ यही सीन हुआ होगा। मैंने एक ट्रांजिट वीज़ा ऑलरेडी 10-15 दिन पहले अप्लाई करके ले लिया था और लिखा गया वी वेलकम यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस योर ट्रांजिट वीज़ा इज़ अप्रूव्ड एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। सो आई गॉट इट और मैंने अपना प्लान किया कि ठीक है मैं जाऊँगा और थोड़ा बहुत कोलंबो जो है वो एक्सप्लोर करूँगा और श्रीलंका देखूँगा, कल्चर देखूँगा, चीज़ें देखूँगा। सो मैं चला गया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ बैड सीन हो गया। बैड सीन ये हुआ कि वो मुझे कहता मैं तुम्हें एंट्री नहीं देता, इमिग्रेशन वाला। मैं तो शॉक हो गया, मैं बोला एक्सक्यूज़ मी, मतलब मैं इमिग्रेशन काउंटर पर गया और मैंने उसको बोला कि यार मेरे पास वीज़ा है एंड ये मेरा वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है और मेरी शाम की फ़्लाइट है। शाम की नहीं, मतलब ये था कि सुबह के 4 बजे मैं पहुंच गया और मैंने कहा मेरी अगले दिन शाम की फ़्लाइट है तो मेरा ट्रांजिट है 2 दिन का ना इधर कोलंबो में श्रीलंका। सो मैंने बोला यार ठीक है तुम मुझे बोल रहा है और या बट आई कैन नॉट अलाउ यू एंड ऑल, बोला एक्सक्यूज मी If you don't approve me, why you give me transit visa then? Where I will stay 14 hours on the airport? I cannot. So मैं एक मिनट के लिए तो आप शॉर्ट हो जाते हैं और आप कहते हैं कि यार what the hell man, मैंने आगे जाना है और ये छोटा सा तुम्हारा एयरपोर्ट है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे 12-14 घंटे, मैं तो पागल हो जाऊँगा लिटरली। सो भाई ये बैड सीन हो गया। अब सारा सीन ये करते करते तो फिर उसने बोला अंदर, मैं क्या कोई मुझे मैनेजर से बात करनी है। अब अगर कोई बंदा अगर वहाँ ना जाए और मैनेजर के पास ना जाए, उसके तो लग गई ना, क्योंकि इमिग्रेशन वाले ने रिफ्यूज़ कर दिया आपको। फिर मुझे वो एक रूम में मैं चला गया जहाँ मैनेजर बैठा, वहाँ और भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो मतलब जिनको कोई इश्यूज़ वगैरह है। तो उस चक्कर में भाई वहाँ पे ना मेरे से आगे एक पाकिस्तानी लड़का खड़ा हुआ था, वो सेम दुबई की फ़्लाइट से आया था और कोलंबो को एक्सप्लोर करा था। उसके बाद 1000 USD भी थे शो मनी और वो बोल रहा था कि मैं दुबई से आया हूँ तो मुझे कोलंबो एक्सप्लोर करना। तो वो बंदा एक्सप्लोर करने के लिए कोलंबो आया, उसके पास एयर टिकट थी वापसी की, उसके पास बेचारे के पास होटल बुकिंग थी, मेरे पास होटल बुकिंग भी नहीं थी क्योंकि मैं वहाँ घंटों के लिए गया था यार। मैं मतलब यू नो लाइक नॉट फॉर आवर्स एंड फॉर 2 डेज के मैं होटल बुक करता। तो मैंने क्या किया, मैं कहा यार ठीक है, वो बंदा मेरे आगे था, सॉरी टू कट यू, तो वो बंदा जो आगे बैठा हुआ था उसको मैंने देखा तो वो बेचारे को वो अप्रूव ही नहीं करा, बोल रहा दे आर नॉट गिविंग मी वीज़ा। तो मैं उसको भी टिकट आ गया, मैं बोला यार लगता है जी एयरपोर्ट पे रुकना पड़ेगा 13-14 घंटे। बैड सीन हो गया और मुझे बोल रहा है जी कि नहीं आई थिंक बांग्लादेश। इवन बाद में मुझे जब मैं अंदर कमरे में गया ना तो मुझे लगा शायद हमारे साथ ही करा, खाली पाकिस्तानी पासपोर्ट, भाई वो इंडियंस के साथ भी करा था ये। और मुझे लग रहा था कि इंडिया के बड़े अच्छे टाइज हैं, मेरे सब्सक्राइबर इंडिया से भी हैं, तो बड़ा ह्यूमिलेट फील हुआ यार हम लोगों के लिए मुझे।
तो बोल रहा है नो, मैंने बोला रीज़न क्या है, वो इमिग्रेशन वाले को मैंने पूछा, बोल रहा है वो लोग आके यहाँ पे ना गायब हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन, और आप लोग हंसोगे, मेरा जो रिप्लाई था वो बड़ा फिट था। मैंने उसे बोला श्रीलंका में इट्स बैंक करप्ट, मैं उसके मुंह पे नहीं बोल सकता ये चीज़, लेकिन मैंने उसको द वे आई रिएक्ट लाइक इधर ऐसे ही बोला कि पाकिस्तान इंडिया से लोग यहाँ आएंगे मतलब इधर, और यहाँ के मतलब खली वली हो जाएंगे मतलब सीरियसली, तो सॉरी टू से नो ऑफेंस, तुम लोग के खुद के हालात ख़राब हैं, तो यहाँ कौन पागल का बच्चा आएगा भाई, यहाँ लोग टूरिस्ट ही आ रहे हैं, तुम लोग टूरिस्ट फ्रेंडली तो नहीं हो। तो वहाँ मुझे पता लगा भाई श्रीलंका नो वे, मैं कभी लाइफ में ना जाऊँगा। इट वॉज लाइक यू नो बैड एक्सपीरियंस, और मैंने बोला ना तुम्हारा मुल्क है, फिर वो बताता हूँ आगे भी क्या हुआ। तो बड़ा शॉक हो गया मैं, तो मैं अंदर कमरे में गया, वहाँ एक इंडियन भाई भी थे मुंबई से आए हुए थे फैमिली के साथ। अब वो फैमिली के साथ आए, मैं वीज़ा ऑन अराइवल, सब दुबई के थे, हम दुबई रेजिडेंट हैं, हम लोग को दिल करता है कि जहाँ ई वीज़ा हो तो हम चले जाएंगे, लेकिन फैमिली के साथ भाई रिस्क हो जाता है। चलो जी, मेरे आगे पाकिस्तानी है और इधर इंडियन जो है वो बाद में आए, पाकिस्तानी एक लड़का खड़ा था और उसने बोला, तो वो उसको वीज़ा नहीं देता, बोलता जाओ आप ना फॉर्म भर के आओ, एक फॉर्म भर के आओ। तो उसने फॉर्म भरा और फॉर्म भर के वो बंदा बाहर चला गया। तो फिर मैंने उससे बात की, मैं कहा एक्सक्यूज़ मी सर, इफ़ यू आर नॉट अलाउ मी, आई ऑलरेडी हैव अ ट्रांजिट वीज़ा, दिस इज़ माई ई मेल, दिस इज़ माई बुकिंग, दिस इज़ माई अनदर बोर्डिंग कार्ड फॉर द फ्लाइट, सो हाउ वाई आई विल लीव माई फ्लाइट, आई हैव अ ट्रांजिट, आई जस्ट वॉन्ट टू सी, गो लेट मी गो आउट, आई ऑलरेडी हैव योर ई मेल कन्फर्मेशन फॉर योर मिनिस्ट्री, योर इमिग्रेशन ई वीज़ा। सो उसको कुछ समझ आई तो उसने बोला ओके फिल द फॉर्म, फिर बोलता है अपने होटल का नाम लिखो। मैंने उसी टाइम बड़े स्मार्टली उसके काउंटर से हटा एक मिनट लिए पेन लेने के लिए, और उसी टाइम पे मैंने बुक कर दिया booking.com पे, 2 मिनट में फ्री कैंसिलेशन, उसका नाम लिख दिया वहाँ पे मैंने होटल का। चलो ये हो गया। वहाँ से जब मैं निकला तो मैंने बोला कि यार मुझे दे दो, उसने मुझे साइन कर दिया फ़ौरन ना फॉर्म के ऊपर, तो मुझे मतलब इस फॉर्म के ऊपर वो वाला जो इमिग्रेशन जिसने रोका वो अब जाने दे रहा था। तो फिर वो पाकिस्तानी आया दोबारा उसी बीच में जब मैं पेन लेके साइड पे हटा, तो वो बोलता मेरा वीज़ा ये रिफ्यूज़ हो गया, ये बोल रहा या रिफ्यूज़, मतलब उसको ई वीज़ा दिया ही नहीं है उन्होंने, जिसकी मर्ज़ी आ रही थी उसको ई वीज़ा दे रहे थे, जिसकी नहीं आ रही थी नहीं दे रहे थे, उसके मूड पे डिपेंड करता। तो भाई क्या ज़रूरत है, और दुनिया के बहुत से मुल्क हैं वहाँ चले जाओ, मैं कभी किसी को रेफ़र ना करूँ कि ऐसे ह्यूमिलेट होने चले जाओ आप कोलम्बो जैसे मुल्क में। भाई मतलब आगे तुम्हारा बैंकरप्सी में चल रहा मुल्क, तुम टूरिस्ट फ्रेंडली हो ही नहीं, तो लोग क्यों आएंगे तुम्हारे पास भाई, उनको लानत भेजता भाई तुम्हारे मुल्क में आने पे अगर तुम टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं हो तो। सो मैंने बोला ये मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, भाई ह्यूमिलेट कर रहे थे लोगों को वहाँ पे। और एक अरबी आया, उसको कहते तू यहाँ क्या करने आया, यार ये बंदे का बनता पूछना उससे, भाई तेरे मुल्क की फ़्लाइट लेके आया, तेरे मुल्क देखने आया, तुम्हें रेवेन्यू देगा, वहाँ खाना खाएगा, 4 लोगों का रिस्क चलेगा, ये पागल है क्या, मतलब बोल्ट चलती है उसको पैसे देगा, बोल्ट ही चल रही थी वहाँ कोलंबो में, बोल्ट चल रही थी। सो अजीबो गरीब लोग यार, अजीबो गरीब, बहुत नेगेटिव एनर्जी थी वहाँ, बहुत नेगेटिव, मतलब कोलंबो में मुझे बहुत नेगेटिव फील हुआ, आई डोंट नो वाई, मतलब वो पूरा कंट्री पूरा ना मुझे नेगेटिव फील हो रहा था, आई डोंट नो, इट्स नॉट मीन्स के उनका कल्चर वगैरह ऐसा है। बाहर निकलो तो मेरे ख्याल 500 तो पुलिस वाले हैं, हर बंदा आपको ऐसे देखा भाई, अब क्या फील करोगे कि मैं कोलंबो घूमने आया हूँ, मैं कोई मतलब कौन हूँ मैं भाई, हर जगह बाहर पुलिस, इधर पुलिस, उधर चेक पोस्ट, उधर, और जिसका दिल कर रहा है उसको रोक रहे एयरपोर्ट पे। तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था। मैं मनी एक्सचेंज पे खड़ा हूँ, मैंने देखा एक बंदा आ रहा है, उसको रोक लिया, उससे पूछ रहा सवाल जवाब। मैंने मतलब किसी को भी बोल लोगे तुम, मतलब ये क्या टूरिस्ट प्लेस है या मतलब तुम लोग किडनैप कर रहे हो लोगों को पकड़ के, मतलब क्या कर क्या रहे हो, क्या चल क्या रहा है भाई। सो अजीबो गरीब सीन था यार, मतलब बहुत पैरानॉइड सीन था, और मैं मतलब बहुत अपसेट हो गया यार, मतलब यू नो सब देख के। और वही मेरा एयरपोर्ट पे यकीन करने बैठ के दिल था कि यार मैं अब बाहर जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं आधा घंटा तो बैठा रहा ना वहाँ चेयर पे। मैंने बोला क्या है यार, ये क्या शहर है, कहाँ जाऊँ मैं, ये किस तरह की नेगेटिव एनर्जी आ रही है और नेगेटिव वाइब आ रही है। तो वहाँ से मैं निकला और मैंने बोला कि चलो अब वीज़ा मिल गया तो घूमते हैं। तो भाई वो बात मैं बताना भूल गया, जो मुंबई वाले भाई थे
और उनकी वाइफ जो थी उनको भी वीज़ा दिया, लेकिन उनसे पूरी तुम्हारी बुकिंग कहाँ है, तुम्हारा ये क्या है, वेयर इज दिस, व्हाट इज दिस, मतलब मुझे लगा इंडिया के टाइज अच्छे हैं भाई उनके साथ, लेकिन मुझे फील नहीं हुए वहाँ, क्योंकि मेरे सामने ये सब हो रहा था, तो मैंने बोला यार यहाँ तो सीन ही बिल्कुल बैड है। मतलब भाई कोई भी, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अब बाद में मुझे अंदर नज़र आए पाकिस्तानी भी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मॉल्स वगैरह में कोलंबो में पाकिस्तानी थे, क्रिकेटर क्या नाम है इमाद वसीम, वो बैठा हुआ था फूड कोर्ट में, उनका जो ईस्ट गोल्फ मॉल था कोई, वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी फैमिलीज भी थी, लेकिन आई थिंक ये वो लोग हैं जो वीज़ा लेके आते हैं, तो आप ई वीज़े पे मत रहो खुदा के लिए, मेरी रिक्वेस्ट है, ह्यूमिलेट कर देंगे आपको, और अगर आपको ना जाने दिया वो पाकिस्तानी भाई की तरह, तो पूरा ट्रिप भी ख़राब होगा, टिकट भी ज़ाया होगी, और उसको कहते हैं मैं तुम्हें डिपोर्ट कर दूंगा, तुम अपनी नई फ्लाइट देखो किसी और कंट्री की यहाँ से, या फिर आई विल डिपोर्ट यू टू योर कंट्री वेर यू आर कमिंग फ्रॉम। सो मतलब इंसानियत होती है यार, वो अच्छा खासा बंदा था यार, उसके पास $1,000 पता नहीं कितने, उसने शो मनी भी दिखाई, उसने कार्ड दिखाया, उसने कहा ये मेरी जॉब है, ये हाँ मेरी ईमेल का सिग्नेचर पूछ रहा है मुझसे, मुझे पूछ रहा है तो कौन सी कंपनी में काम करते हो, तुम ये क्या करते हो, भाई लानत भेजता हूँ मैं कसम से, मैं जिंदगी में कोलंबो ना जाऊँ, मैं तो मैं रेफर ही नहीं कर रहा किसी को, आगे मुल्क के हालात तुम्हारे थके हुए, तुम टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं हो तो कौन भाई आएगा, मैं तो कभी रेफर ना करूँ, और लिखा हुआ है वेलकम श्रीलंका, वेलकम कोलंबो टूरिस्ट, प्लीज़ यार कम ऑन, यू शुड चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स टूरिस्ट, डोंट ह्यूमिलेट देम, और उसके बाद हर वक्त हर जगह उनको ह्यूमिलेट कर रहे हो, आई डोंट सजेस्ट। सो ये मेरा बैड एक्सपीरियंस था, और मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, और प्लीज़ अपने मेहनत के पैसे ज़ाया मत कीजिए, जैसे मैंने जॉर्जिया के बारे में बनाया था कि जॉर्जिया बहुत प्यारा है लेकिन फैमिलीज वगैरह को ह्यूमिलेट करता है, सो मैं कभी भी ऐसी चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगा अपने सब्सक्राइबर को, जो लोग मुझे देखते हैं, और मेरे मानना ये है कि अच्छा मशवरा सबका जारी है, सो अच्छा मशवरा भी देना चाहिए दूसरे को, अगर आपको अच्छी चीज़ पता हो तो आप दूसरे को बताओ। सो प्लीज़ आई सजेस्ट कि आप कोलंबो ई वीज़े पे या वीज़ा ऑन अराइवल पे मत जाइए, जाना है बहुत इमरजेंसी है, दिल कर रहा है वहाँ जाने का तो आई एम नो वन टू स्टॉप यू, बट वो लेके जाइए पहले से वीज़ा ले लीजिए, मतलब उनका ई वीज़ा भी मिल जाता है, ई वीज़ा ले लीजिए, एटलीस्ट आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास ई वीज़ा है, वो भी उसकी मर्ज़ी है, वो आपको अंदर जाने देना दिया, बिकॉज मुझे बहुत पैरानॉइड लगा वो सीन। सो ये वीडियो थी दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए, और मैंने शेयर की, अब आप लोग के ऊपर है, आप जाना चाहें तो जाएं, ना जाना चाहें तो ना जाएं, लेकिन मैं तो कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। सो नो गो टू कोलंबो, नो गो टू श्रीलंका ऑन वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा, इट्स वेस्ट and it's humiliating. Take visa, e-visa before or visa on your passport, then go properly. Then I don't think so he can stop you. So choice is yours. Milte hain aapse agli video mein, agle vlogs mein, jahan hoon yahan ke vlogs bhi jaldi aayenge. So please, jaise pyar dete hain, dekhte bahut sare log hain, subscribe nahi karte. So kar do yaar, itni important information share karta hoon, cheeze batata hoon. So uske liye sirf ek like aur subscribe banta hai. Kar do yaar, ek minute lagta hai. Video jab dekh rahe ho aap, to please subscribe bhi kar do. So subscribe, share, like. मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर गाइज़।